Hi everyone. So today we'll be doing group theory questions. मैं आपको डिटेल में तो नहीं करवा सकती सोल्यूशन क्योंकि बहुत ज्यादा questions हैं. बस आपको मैं हर जो question है जो हमने नहीं किया थ्योरी वाले पोर्शन में उसको मैं डिटेल में करवा दूंगी और जो बाकी में जो question हम जिस तरह के हमने डिस्कस किए हैं पहले वैसे वाले सिर्फ आपको हिंट दे दूंगी. तो अब जो हाँ एक और बात है कि questions आप कहाँ से लेंगे. अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जो लास्ट वाला पार्ट आया था उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया था डायरेक्टली गूगल ड्राइव का जहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते थे इसके प्रीवियस questions जहाँ से मैं करवा रही हूँ. अगर आपने नहीं किया तो कोई बात नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उसका. ठीक है तो वहां से आप पीडीएफ देख लीजिएगा. और जैसे कि हमेशा बोलती हूँ पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना अगर हो जाते हैं तो वेरी गुड क्योंकि पीडीएफ में आंसर्स भी गिवन है साथ में मतलब सोल्यूशन नहीं आंसर्स गिवन है तो वहां से आप मैच कर लेना. कुछ जो आंसर्स गलत थे वो मैंने सही किए हुए उसमें. बस अगर आपसे कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तभी सोल्यूशन देखना अदरवाइज नहीं. ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो आपको कैरेक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है C3V की. रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको दी हुई है. आपको क्या करना है बस उसके इरिड्यूसिबल कंपोनेंट्स बताने हैं. मतलब इन शॉर्ट क्या करना है आपको कि जो उसका रिड्यूसिबल आपको गिवन है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन उसी को आपको रिड्यूस करना है जैसे कि हम करते आए हैं. तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे क्योंकि हम कर चुके हैं. फॉर्मूला कौन सा लगेगा. फॉर्मूला लगेगा ये वाला. जैसे हम निकालते हैं IR के लिए क्या होता है 1/H. H क्या है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप. तो ये C3V के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा 6. और साथ में आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे समेशन वाला. यहाँ पे XI, YI और ZI. ठीक है ये वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाए हैं तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर लेंगे. अभी जो सेकेंड क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको जब मैं थ्योरी पढ़ा रही थी आपको तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाला पार्ट नहीं करवाया है. वो इसीलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो अभी आपको करवा देती हूँ. रेफर टू द कैरेक्टर टेबल ऑफ पॉइंट ग्रुप C3V गिवन अबव. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज फॉरबिडन. तो आपको क्या करना होता है जब भी आपसे पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो जैसे भी आपसे ट्रांजिशन पूछा हुआ है कि सपोज करो A1 से लेके A1 तक मतलब ट्रांजिशन आपको करवानी है तो आप क्या करेंगे जो A1 के इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वाले जो कैरेक्टर्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ ट्रांजिशन हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ. जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रांजिशन है वो दिखाई है A1 to A1 इस तरह से लिखा हुआ है. तो आप कैरेक्टर टेबल में देखो कैरेक्टर टेबल हमें इस तरह से गिवन है 2C3 3σV. तो यहाँ पे कैरेक्टर टेबल में हमारे पास A1 A2 और E गिवन है. A1 के लिए 1 1 यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं इसके लिए 1 1 -1 और यहाँ पे 2 -1 0. और ध्यान क्या रखना है कि साथ में हमारे पास ये Z यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर है XY. अब आपको बताना है जो भी ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में इनमें से कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन है. फॉरबिडन मतलब जो अलाउड नहीं होगा. तो सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं. जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है A1 to A1. तो आपको क्या करना है A1 मतलब ये वाला A1 इसके जो भी कैरेक्टर्स हैं आपको उसको मल्टीप्लाई करना है किसके कैरेक्टर से जहां पे ट्रांजिशन हो रही है. तो यहाँ पे A1 से A1 ही जा रहा है इसका मतलब है कि आपको करना है A1 into A1. तो A1 into A1 जब आप करेंगे तो उसका क्या मतलब है 1. जैसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं वापस से A1 यहाँ पे लिख लो 1 1 1 ऐसे ही वापस से A1 1 1 1. अब आप उसको मल्टीप्लाई करना है A1 into A1 क्या हो जाएगा ये 1 into 1 1 1 और ये 1. तो क्या हुआ A1 into A1 जब हमने किया तो हमारे कैरेक्टर्स वापस से 1 1 1 आ गए हैं और ये 1 1 1 कैरेक्टर किसका है A1 का ही है. तो वापस से हमारे पास क्या आ गया A1. अब आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ पे देखेंगे इस वाले कॉलम में अगर यहाँ पे हमारे पास X, Y या फिर Z अवेलेबल है जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद A1 आया है तो A1 में हमारे पास Z अवेलेबल है मतलब X, Y और Z में से कोई भी एक होना चाहिए. मिनिमम एक होना चाहिए ज्यादा कितने भी हो. तो अगर ऐसा है तो वो वाली ट्रांजिशन अलाउड होती है. तो इसलिए ये वाली ट्रांजिशन क्या है अलाउड है. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सो ये सेकेंड ऑप्शन उसमें क्या है A1 to E. आपको बोला हुआ है ये वाली ट्रांजिशन अलाउड है क्या आपको चेक करनी है. तो A1 से E जा रहा है इसका मतलब आपको क्या करना है A1 into E और A1 क्या है 1 1 1 1 1 1 और E क्या है 2 -1 0 2 -1 0. इनको मल्टीप्लाई कर देना है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे E वाले कैरेक्टर्स को E से ही मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 into -1 -1 0 into 1 0. तो वापस से क्या आ गया 2 -1 0 2 -1 0. ये किसके कैरेक्टर्स हैं E के. इसका क्या मतलब हुआ जब हम A1 into E कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल आ रहे हैं E के.
अब आप क्या करेंगे, ई के ये चेक करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई है, और एक्स और वाई है तो मतलब क्या है, ये वाला हमारे पास अलाउड है. आप क्वेश्चन में देखो फॉरबिडन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन ए एंड बी आर अलाउड. अभी सी वाला देखते हैं, सी में गिवन है ए टू टू ई, ऐसे दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे, ए टू इंटू ई करेंगे. ए टू क्या है, वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, और ई क्या है, टू माइनस वन जीरो, टू माइनस वन जीरो. अब करेंगे इसको मल्टीप्लाई, टू इंटू वन टू, वन इंटू माइनस वन जीरो इंटू माइनस वन जीरो. तो ये कैरेक्टर किसका है, टू माइनस वन जीरो, टू माइनस वन जीरो किसके लिए है, ई के लिए, और ई में फिर से एक्स वाई है अवेलेबल, तो ये भी हमारे पास क्या है, अलाउड है. अब देखते हैं लास्ट वाला, ए वन टू ए टू, इसका क्या मतलब, आपको क्या करना है, ए वन इंटू ए टू करना है. ए वन इंटू ए टू करेंगे, यहीं पर कर देती हूँ मैं, क्या बचेगा, वन इंटू वन वन, वन इंटू वन वन, वन इंटू माइनस वन माइनस वन. तो जो ये कैरेक्टर्स आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, वन वन माइनस वन, ये किसके कैरेक्टर्स हैं, ए टू के, क्योंकि यही तो है वन वन माइनस वन. अभी हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ना तो एक्स है, ना ही वाई, ना जेड, इसीलिए अगर ये नहीं होते हैं तो ये वाला ट्रांजिशन क्या है, फॉरबिडन. अब आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे देखते हैं, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था. सेकेंड क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमारा ऑप्शन क्या है, डी जो है वो फॉरबिडन है. उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ इथेन इन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉइंट ग्रुप निकालते टाइम, ऐसे होता है इथेन, सब जगह एच लगे होते हैं, स्टैगर्ड बोला हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, इक्लिप्स्ड नहीं है, स्टैगर्ड है. तो इसका पॉइंट ग्रुप मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुकी हूँ, क्या होता है इसका पॉइंट ग्रुप, यहाँ से आपको देखना है कि देखो सी थ्री अवेलेबल है, उसके बाद एक सी टू आपको दिखेगी, अगर आपको पलट दोगे ऐसे करके तो ये वाला जो है यहाँ पे चला जाएगा. तो यहाँ पे अगर एक सी टू हमें दिख रही है तो तीन सी टू होंगे इसमें. ऐसे आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से सी थ्री है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला प्लेन भी है, मतलब थ्री सिग्मा भी अवेलेबल है, और यहाँ से सी थ्री है बट ये वाला प्लेन नहीं है मोलिकुलर प्लेन, इसलिए सिग्मा एच यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, डी थ्री डी. ये मैंने आपको डिटेल में करवाया था पहले ही. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैरेक्टर टेबल ऑफ सी टू वी पॉइंट ग्रुप इज गिवन बिलो द टू फंक्शंस. अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन डिफरेंट है, ये मुझे डिटेल में करवाना पड़ेगा. देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ही सिंपल है, आपको कैरेक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है, आपको बताना है कि जो ये टू फंक्शंस गिवन है, एक इस तरह का फंक्शन गिवन है शायद वन, वो किसके इक्वल है, पी वन प्लस टू पी टू प्लस टू पी थ्री प्लस पी फोर. ये वाला हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, और एक सेकेंड फंक्शन गिवन है जो कि इक्वल है टू पी वन माइनस पी टू माइनस पी थ्री प्लस टू पी फोर. और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वेयर पी के इज द पी ऑर्बिटल ऑन द kth एटम ऑफ सिस ब्यूटाडाइन एंड सिग्मा वी इज द मोलिकुलर प्लेन. देखो यहाँ पे तो उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो कैरेक्टर टेबल इन्होंने दी हुई है सी टू वी के लिए, उसमें जो सिग्मा वी है वो मोलिकुलर प्लेन है. अगर क्वेश्चन में ये डिटेल में नहीं बताया होता कि सिग्मा वी ही मोलिकुलर प्लेन है, तो आप उसको ऑलरेडी निकाल सकते थे. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमने साइड में मोलिकुलर सिंबल लिखे हुए हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कौन से वाला हमारे पास मोलिकुलर प्लेन है और कौन से वाला दूसरा है. अब आप क्या करेंगे, आपको बताना है कि जो ये दो फंक्शंस आपको गिवन है, ये कौन से वाले इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से बिलोंग करते हैं, जैसे आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ड्रॉ करना है, और ये किसके लिए गिवन है, सिस ब्यूटाडाइन. सिस ब्यूटाडाइन कैसा होता है, सिस ब्यूटाडाइन कैसा होता है, ऐसा. ये हमारे पास क्या है, सिस ब्यूटाडाइन, और ये सारे क्या है, ऑर्बिटल्स. तो इसके लिए हम क्या करती हूँ, यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ से ये ऐसे और ये ऐसे. तो ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर दिए. अब हमें क्या करना है, जो मेन चीज है वो ये, जो ये साइन आपको गिवन है ना, इनका आपको ध्यान रखना है. P1 और P2 के बीच में प्लस का साइन है, मतलब आपको क्या करना है, प्लस माइनस दोनों के बीच में प्लस और माइनस इस तरह से. यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इसलिए आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस ही रखेंगे. सबके बीच में प्लस है, आपको क्या करना है, सबके ऊपर ऐसे करो उसको, ये वाला इजी रहेगा. अगर सब में प्लस प्लस गिवन है ना, तो आप क्या करेंगे, सबके ऊपर वाले लोब्स को क्या करेंगे, पॉजिटिव दे देंगे, और जो नीचे वाले उनको माइनस. ये ड्रॉ हो गया, इसके लिए ड्रॉ करते हैं.
अब आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी साइन नहीं है तो हम प्लस लगा देते हैं। P1 के आगे प्लस है मतलब यहाँ पे प्लस लगाएंगे, P2 के आगे माइनस है मतलब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, P3 के आगे माइनस है ये वाला माइनस, P4 के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस। इस तरह से आप करोगे आपको इजी पड़ेगा। क्या करना होता है इसमें, मैं इसको मार्क कर देती हूँ P1, दिस इज P2, P3 और ये है P4। इसके आगे अब जो जो साइन लगे हुए हैं आपको वही लगा देने ऊपर वाले लॉब्स में, बाकी हम लगा लेंगे। जैसे यहाँ पे P1 है तो P1 के आगे प्लस है तो प्लस लगा दिया, P2 के आगे प्लस है यहाँ पे प्लस लगा दिया, P3 के आगे प्लस इधर भी प्लस, P4 के आगे प्लस, इस तरह से करना है। ऐसे ये क्या है, P1, P2, P3, P4, P1 के आगे प्लस, P2 के आगे माइनस, P3 के आगे माइनस और P4 के आगे प्लस, इस तरह से लगाया और इधर ऊपर प्लस और नीचे क्या आएगा माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, इधर माइनस। बस अब हमारे क्या हो गए हैं, ये हमारे पास हमारा डायग्राम रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है जो हमारे पास कैरेक्टर टेबल गिवन है उसमें हमारे पास क्या क्या है सिमेट्री एलिमेंट्स, ई सी टू सिग्मा वी एंड सिग्मा वी डैश। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे ये वाले सारे सिमेट्री एलिमेंट्स और इनका नेचर हमें निकालना है। जैसे हम निकालते थे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स वैसे ही यहाँ पर भी निकालेंगे। तो जैसे ही हमने ई लगाया तो क्या होगा, ई लगाने से क्या होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा ही होगा। मतलब E की रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। तो जब भी हम सिमेट्रिक मिलेगा हमें तो हम लिखेंगे कैरेक्टर उसका 1, और जब भी एसिमेट्रिक मिलेगा उसको हम लिखेंगे -1। ऐसे ही करना है इसमें। तो देखो E जब भी हम लगाएंगे तो E में तो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो E की रिस्पेक्ट में ये क्या है, सिमेट्रिक, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया 1। अब हमें क्या करना है, C2 अप्लाई करनी है। तो C2 कहां से होती है, यहां से। अच्छा एक और बात, आपको स्टैंडर्ड डायग्राम ये कंसीडर करके चलना है, आप बेसिकली इस पे लगा रहे हो, इसमें C2 कहाँ से है, इसमें C2 कहीं और से नहीं है, यहाँ से है। क्योंकि इसमें इसको आप रोटेट करवाओगे ऐसे करके तो ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये है तो इसी का डायग्राम तो हम इस पे लगाएंगे C2। तो आप जैसे ही C2 लगाओगे तो होगा क्या, जैसे इसको रोटेट करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, C2 लगने के बाद देखो ध्यान से, ये दोनों ऑर्बिटल्स नीचे की साइड जाएंगे, मतलब जो ये वाले ऑर्बिटल्स हैं वो रोटेट करके ऐसे आएंगे। तो जैसे ही ये इस तरफ आएंगे तो ये प्लस वाले साइन नीचे चले जाएंगे और ये माइनस वाले ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ही जो ये वाले हैं जब रोटेट करेंगे इस तरफ ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाले प्लस है वो नीचे की साइड जाएंगे और ये ऊपर इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ है, अब आप देख रहे हो रोटेट करने से क्या हुआ, अब ये जैसे पहले था, अब आपस में देखोगे दोनों को ये क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं है। कैसा है, एसिमेट्रिक, इसलिए आप लिखेंगे -1। अब नेक्स्ट क्या है, सिग्मा वी आपको लगाना है। सिग्मा वी लगाने के लिए क्या करेंगे, सिग्मा वी कहाँ से है, इन्होंने पहले ही बोला हुआ है सिग्मा वी क्या है, मोलिकुलर प्लेन, मतलब जो ऐसा उससे पास कर रहा हो, सारे एटम से पास कर रहा हो। अभी हमें क्या करना है, सारे एटम से पास कर रहा है मतलब ऐसे एक प्लेन आ रहा है जो, जिसे आप कंसिडर करो इस तरह का मैंने ड्रॉ किया हुआ है, एक लॉग ऊपर की साइड है एक नीचे की साइड है। तो जैसे आप इसको सेंटर से कट करोगे तो ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है, तो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक, इसलिए ये भी क्या है, -1। मतलब यहाँ पे प्लेन कैसा है, आप ना अगर इसको ऐसे कंसीडर करो तो बहुत ईजी रहेगा, आप इसको इस तरह से कंसीडर करो, जैसे मैंने नोटबुक को पकड़ा हुआ है ऐसे करोगे आप कंसीडर, तो ये एक्चुअल में जैसे अभी ये ऐसे है, मैं इसको ऐसे कंसीडर कर रही हूँ, तो ये वाली यहाँ पे ये लाइन, ये वाली लाइन और फिर ये लाइन, फिर यहाँ पे लॉब्स ड्रॉ कर लो चारों कॉर्नर्स पे और फिर करके देखो। जैसे मैं आपको C2 बोल रही हूँ तो जैसे आप इसको ऐसे पकड़ रखा है आपने, अगर मैं C2 बोल रही हूँ तो क्या होगा, रोटेट करके ऐसे हो जाएगा, मतलब जो नीचे वाले माइनस वाले साइन है वो ऊपर चले गए हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ऐसे करूँगा तो आपको समझ में आएगा मैं कैसे बोल रही हूँ। तो यहाँ सिग्मा वी से क्या हुआ, -1। अगर हमें लगाना है सिग्मा वी डैश, ये कौन से वाला प्लेन है, यहाँ से ये वाला प्लेन जो इन दोनों को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, तो ऐसे हमारा है तो हमें क्या, इसको बाइसेक्ट कर दिया, तो जो ये वाला है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो जैसे पहले हमारे पास है वैसा ही रहेगा, इसलिए क्या आ गया, 1, सिमेट्रिक है। अब आपको क्या करना है, जो आपने ये डिराइव किए हैं इसको मैच करना है कैरेक्टर टेबल से, ये क्या है, 1 -1 -1 1। तो आपको चेक करना है किसमें ऐसा है, B2 में एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, B2 के, ठीक है। ऐसे ही आप इसके लिए भी निकालेंगे, सबसे पहले आप E अप्लाई करेंगे, देन C, देन सिग्मा V, देन सिग्मा V डैश, इस तरह से आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपने E अप्लाई किया सब कुछ सेम रहता है तो सिमेट्रिक। C2 लगाने से क्या होगा, ऐसे देखो यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे V माइनस, यहाँ पे ये वाला लोब यहाँ पे है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पे ऊपर की साइड प्लस है
नीचे की साइड माइनस है, तो जैसे ही आप इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जो ये नीचे था माइनस से क्या करेगा, वापस ऊपर की साइड आ जाएगा, ऐसे ही होगा, तो चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे माइनस वन। अब हमें लगाना है सिग्मा वी। सिग्मा वी का मतलब क्या है, हमें ऐसे लगाना है, इसके पास करता हुआ ऊपर प्लस है तो नीचे क्या है माइनस, तो ये भी क्या होगा एसिमेट्रिक। अभी क्या करना है, सिग्मा वी डैश लगाना है, मतलब सेंटर से कट करना है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दोनों सेम है, तो ये क्या होगा वन। तो आप देखोगे ये भी क्या है वन माइनस वन माइनस वन वन, वो किसके इक्विवेलेंट है बी टू के, इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बोथ बी टू, मतलब फोर्थ जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस तरह से करना था आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। इफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ ऑल द एटम्स इन सिस ब्यूटाडाइन आर टेकन एज द बेसिस द कैरेक्टर्स ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर, आपको क्या करना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स बताने हैं इन केस ऑफ सिस ब्यूटाडाइन। वही फिर से ऐसे यहां लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ऑफ ऑल द एटम्स, मतलब आपको उसी से निकालना है जैसे हम निकालते थे नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। इसमें आपको पता है क्या है जो ये सी टू वी, इसका क्या होता है पॉइंट ऑफ सी टू वी, ये आप ऑलरेडी खुद से निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सिस ब्यूटाडाइन है, इसमें क्या है एक सी टू यहां से प्रेजेंट है, एक ये वाला सिग्मा वी है जो यहां से कट करेगा, और एक ये वाला प्लेन है, तो इसका पॉइंट रूप क्या है सी टू वी। सी टू वी पॉइंट रूप केस में हमारे पास क्या होता है ई होता है सी टू सिग्मा वी और सिग्मा वी डैश, या फिर सिग्मा वी वन सिग्मा वी टू, इस तरह से हम करते हैं। आपको क्या करना है बताने हैं इसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, उसके लिए हम क्या करते हैं नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। जब आप ई लगाओगे इस पे तो क्या होगा सारे एटम्स क्या रहेंगे अपनी पोजिशन में रहेंगे, बट हमें एटम्स काउंट करने हैं तो क्या होगा यहाँ पे दो एच होंगे, एक एच यहाँ पर होगा, एक एच यहाँ पर, और दो एच हमारे पास यहाँ होंगे, ऐसे ही होगा। तो अब आप क्या करेंगे, आपको जैसे ही आपने ई अप्लाई करा नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टोटल एटम्स कितने हैं इसमें टेन, तो टेन के टेन एटम्स हमारे पास अनशिफ्टेड रहेंगे। अब जैसे ही मैं सी टू अप्लाई करूंगी तो क्या होगा, सी टू यहाँ से लगेगी, यहाँ तो कोई बीच में एटम है नहीं, तो क्या होगा जैसे इसको हम रोटेट करेंगे तो ये वाले सारे एटम्स इस सारे पोर्शन में चले जाएंगे, तो ये सारे ही शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आप जीरो, अनशिफ्टेड कितने हैं जीरो। उसके बाद सिग्मा वी मतलब मोलिकुलर प्लेन, तो क्या होगा वो सारे आप यहाँ सेंटर से पास करोगे, सारे एटम्स को पास करता हुआ जाएगा, तो सारे क्या रहेंगे अनशिफ्टेड, इसलिए टेन। और जो सिग्मा वी डैश है उसमें यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे कोई एटम है नहीं बीच में, तो ये वाले इस पोर्शन में जाएंगे, तो अनशिफ्टेड कितने हो जाएंगे जीरो। उसके बाद हम क्या करते हैं कैरेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हमारा बेस हो गया एक्स वाई जेड, तो ई के केस में कितना होता है थ्री, सी टू के केस में माइनस वन, सिग्मा के केस में क्या होता है वन वन। आप टोटल फाइनल कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके टेन इंटू थ्री थर्टी, जीरो टेन जीरो यहाँ पर, तो देख लो फाइनल आंसर कौन सा है, वो है हमारा थर्टी जीरो टेन जीरो, थर्टी जीरो टेन जीरो, मतलब ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको करना था ये क्वेश्चन। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो ये क्या है सारे जो आपको ऑप्शन दिए हुए फोर ऑप्शन, ये क्या है सारे ही पोस्टुलेट्स हैं हमारे किसके ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम के, तो सारे पोस्टुलेट्स मैंने आपको ऑलरेडी करवाए हैं। इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा होगा, द नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इज इक्वल टू क्लासेस ऑफ द सिमेट्री ऑपरेशन, जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, अ स्क्वायर पिरामिडल एम एक्स फोर। अब अगर आप देखोगे एम एक्स फोर को तो ये इस तरह से होगा, तो आपको ध्यान ये रखना है उन्होंने लिखा है स्क्वायर पिरामिडल, वो कैसे पॉसिबल है, अगर यहाँ पे एक लोन पेयर इन्वॉल्व हो तो ही पॉसिबल है, और इसका हमारे पास सिमेट्री पॉइंट रूप क्या हो जाएगा, पॉइंट रूप होगा सी फोर वी। इसमें क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम ये है, कई बार हम लोन पेयर को भूल जाते हैं और इसको कंसिडर कर लेते हैं, फिर हमारे सारे आंसर गलत आने वाले हैं, तो वैसे नहीं करना है, क्योंकि पॉइंट ग्रुप भी दिया हुआ है सी फोर वी, वो तभी पॉसिबल है अगर हम लोन पेयर को कंसिडर करेंगे, अगर लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी फोर एच, मतलब ये पी टी सी एल फोर जैसा हो जाएगा, और क्वेश्चन में गिवन है स्क्वायर पिरामिडल है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, द सिमेट्री ऑपरेशंस आर, आपको गिवन है द ट्रेस ऑफ द रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन वेयर सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ सी फोर वी अप्लाइड टू एम एक्स फोर। इसके जो भी सिमेट्री एलिमेंट्स हैं सारे आपको जो गिवन है ई सी फोर सी टू सिग्मा वी सिग्मा डी, वो सारे आपको अप्लाई करके देखने हैं और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का आपको ट्रेस बताना है। तो
तो अभी देखो, मैं मान रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया है क्या करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करेंगे, ऑप्शंस देखेंगे। सबसे पहले जो गिवन है सिमेट्री एलिमेंट्स वो लगा लेते हैं यहाँ पे, 2C4, C2, 2σv, 2σd, इस तरह से आपको गिवन है। आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो क्या है, 5113, 5113, इस तरह से आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे इसको, आप बस ये सोच के देखो ये 5 कैसे आया होगा। जैसे कि हम निकालते आए हैं E5 है, इसका मतलब इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये E की वैल्यू 5 कब आ सकती है, जो कि सारे ऑप्शंस में गिवन है आपको, सिर्फ हाँ दो ऑप्शंस में गिवन है, एक में 4 गिवन है, एक में 1 गिवन है। तो आप कैसे करेंगे, जितने भी सिमेट्री जितने भी एटम्स प्रेजेंट उनको काउंट करिए कितने हैं, 5। तो E की वैल्यू 5 पॉसिबल है, E की वैल्यू 4 तो कैसे भी पॉसिबल नहीं है, तो E की वैल्यू हो गई 5। अब आप क्या करेंगे, अगर आपने 5 सोच लिया तो आप क्या करेंगे, 3 बार तो 1 लिखा हुआ है, तो देखो दोनों ऑप्शंस में यहाँ पे इतना है, डिफरेंस कहाँ पर आया है, एक में ऑप्शन ए में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है सिग्मा डी के लिए, और जो ऑप्शन सी है वहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो कैसे पता लगाएंगे कौन से वाला लग रहा है, तो देखो ध्यान रखो, जब भी हम सिग्मा वी लगा रहे हैं तो सिग्मा वी और सिग्मा डी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं होता है तो जितने भी हमारे पास सिग्मा वी होते हैं उनमें से हाफ ऑफ कर देते हैं। जैसे हमारे पास अगर 4 सिग्मा वी हैं तो हम 2 को सिग्मा वी बोलेंगे, 2 को सिग्मा डी बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास ये वाला प्लेन है ऐसे कट करता हुआ, एक ये वाला प्लेन है, एक इसके सेंटर से मतलब जो सिर्फ एम को कट करेगा यहाँ से, एक ये वाला है। तो अब हमें क्या करना है, हमें किसी 2 को क्या करना है, मान लेना है कि हमारे पास सिग्मा वी है वो, और बाकी दोनों को क्या करना है, सिग्मा डी मान लेना है। बट जनरली हम ये करते हैं कि जो भी प्लेन ज्यादा नंबर ऑफ एटम से पास करेगा उसको हम सिग्मा वी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो ये वाला पास कर रहा है उसको हमें सिग्मा वी बोलना चाहिए था, और जो ये सिर्फ एम से पास कर रहा है उसको हमें सिग्मा डी बोलना चाहिए था। तो सिग्मा वी जब यहाँ से हम कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ एटम्स अनशिफ्टेड है, 1, 2, 3, 3 एटम्स अनशिफ्टेड है, और सिग्मा डी के केस में हमारे पास सिर्फ एक एम जो है वो अनशिफ्टेड है। तो आपको क्या करना है, आपकी वैल्यू यहाँ पर या तो आप इसके लिए 3 रखो, मतलब इन दोनों में से किसी एक के लिए तो 3 होना ही है, लेकिन आप देखोगे ऑप्शन सी में किसी के लिए भी 3 नहीं लगाया हुआ, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन वी के लिए यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, उसको मान लेंगे। अगर देखो यहाँ पे वो वाली बात नहीं लग रही है कि सिग्मा वी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम से पास करता है उसको लेते हैं, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो कई बार ये क्या होता है, क्वेश्चंस में कुछ ऐसे ऑप्शन आते हैं जो हमारी थ्योरी से मैच नहीं कर रहे होते, बट आपको ये तो ध्यान रखना है कि अगर हम इसको ना भी देखें, इग्नोर कर दें, तो भी सिग्मा वी या सिग्मा डी किसी एक के लिए तो 3 आएगा ही आएगा। तो बस आपको देख लेना है कौन से वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो उस हिसाब से हम चलते हैं। तो जरूरी नहीं होता ऐसे बहुत बार ना नेट में स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क करना होता है, तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो देखो जैसे भी करो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट ग्रुप इज, आपको C2V की कैरेक्टर टेबल गिवन है। इफ द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स बिलोंग टू A1 एंड B1, द अलाउड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम A1 टू B1 इज, तो A1 से B1 करवानी है ट्रांजिशन, मतलब क्या करेंगे आप, A1 इंटू B1 करेंगे। A1 इंटू B1 का मतलब क्या है, A1 के कैरेक्टर्स हैं ये, और B1 के कैरेक्टर्स हैं 1 माइनस 1, 1 माइनस 1। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये फाइनली वापस से किसके आ गए, B1 के जो कैरेक्टर्स हैं हमारे पास वापस आ गए हैं। अब आपको B1 वाली देखनी है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है B1 के साथ में, X लिखा हुआ है, मतलब वो क्या है, X पोलराइज्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ IR एक्टिव वाइब्रेशन मोड्स ऑफ पिरिडीन, या आप निकाल लेंगे आराम से, कैसे करेंगे इसको, कैरेक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है, पिरिडीन यहाँ पर बनाइए और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन खुद से डिराइव करिए। जैसे मैंने आपको पढ़ाते टाइम भी बताया था कि रिड्यूसिबल हो सकता है आपको गिवन ना हो, आपको खुद से डिराइव करनी पड़े, तो यहाँ पर आपको रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करनी पड़ेगी। मैंने ये क्वेश्चन सोल्व किया, आपको डायरेक्टली देती हूँ आंसर इसका। हाँ, तो जो पिरिडीन वाला है इसके लिए जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो कैसी होगी, आपके पास नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स, ऊपर क्या लिखेंगे, E C2 σv σv-, क्योंकि किसके लिए है, C2V पॉइंट ग्रुप के लिए, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, C2V, उसके लिए हमें निकाला है नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स। E के लिए कितने होंगे, 11, 3, 11, यहाँ पे फिर से 3, इसका कैरेक्टर होगा कितना, 3 माइनस 1, 1, 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 33 माइनस 3, 11, 3। ये आ गया आपका, ये आ गया आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन।
आपको कैरेक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है, अब आप क्या करेंगे, डिराइव करेंगे हमारे टोटल वाइब्रेशनल मोड्स फॉर्मूला लगा के 1/h वाला, और जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 11a1 प्लस 4a2 प्लस 11b1। यह आप खुद से करेंगे क्योंकि मैं आपको सिखा चुकी हूँ ऑलरेडी डिटेल में। और 7b2 ये आ गए आपके टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इसमें से ट्रांसलेशन को टोटल मोड्स हैं, ये टोटल मोड्स, ट्रांसलेशनल अलग कर देंगे, रोटेशनल अलग कर देंगे, वाइब्रेशन आपको फिर बाकी जो बचेंगे वाइब्रेशन बच जाएंगे। तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा जब आप IR एक्टिव मोड्स निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, आपके IR एक्टिव 10A1 प्लस 9B1 प्लस 5B2। तो ये आएंगे आपके IR एक्टिव मोड्स। आपसे पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ IR एक्टिव मोड्स, आप क्या करेंगे, इसको टोटल कर देंगे, 10 प्लस 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 24। तो इसका आंसर कितना है, 24। ये आप पूरा खुद से सॉल्व करके देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉलिक्यूल दैट हैज एन S6 सिमेट्री एलिमेंट। S6 सिमेट्री एलिमेंट आपको दिया हुआ है, तो आप एक काम करेंगे, सारे ऑप्शंस के पॉइंट ग्रुप निकालने नहीं बैठेंगे, डायरेक्टली ट्रिक अप्लाई करेंगे। S6 है मॉलिक्यूल में, इसका क्या मतलब होगा, या तो उसमें C3 प्रेजेंट होगी या फिर C6, ये बात ठीक है। S6 होने के लिए या तो C3 होगी या फिर C6 होगी, और अगर C3 है, अगर सिग्मा H प्रेजेंट है, मान लेते हैं दोनों में ही सिग्मा H प्रेजेंट है, तो अगर C3 के साथ सिग्मा H प्रेजेंट हुआ तो हमारे पास क्या होगी, S3 एक्सिस, और अगर सिग्मा H प्रेजेंट नहीं हुआ तो हमारे पास क्या होगी, S6 एक्सिस। ऐसे ही अगर C6 में सिग्मा H प्रेजेंट हुआ तो क्या हो सकता है, S6, और अगर सिग्मा H प्रेजेंट नहीं हुआ तो उस वाले केस में क्या होगा, S12। यही करना है, सबसे पहले चेक करते हैं हमारी C3 एक्सिस कौन से वाले मॉलिक्यूल में है, और अगर C3 एक्सिस है और उसमें सिग्मा H प्रेजेंट नहीं है तो हम समझ जाएंगे उसमें क्या है, S6। अभी देखते हैं सबसे पहले क्या है, B2H6। B2H6 क्या है, डाइबोरिन। तो डाइबोरिन निकाल, इसका स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर B2H6 ऐसा होता है, ऐसा होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें आप क्या देखेंगे, यहां से क्या है आपके C2 एक्सिस, यहां से भी C2 एक्सिस है, और यहां से भी इसके परपेंडिकुलर प्लेन भी क्या है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। तो सारे ही C2 एक्सिस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, यहां पे C3 तो है नहीं, तो इसमें तो S6 होने से रही, इसको छोड़ दो यहीं पे। नेक्स्ट क्या है, CH4, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें कौन सी होती है, S4 एक्सिस होती है, इसको वैसे छोड़ दो। नेक्स्ट आया हमारे पास क्या, PH5। स्ट्रक्चर कैसा होता है PH5 का, ऐसे। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, बस फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। इसमें देखो मैक्सिमम एक्सिस कौन सी होगी, यहां से अगर मैं पास करवाऊं तो ये क्या है, तीनों एच रोटेट करेंगे तो इसमें C3 एक्सिस होगी, तो यहाँ पे चांसेस है हमारे पास S6 होने के, बस इसमें सिग्मा एच नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। अगर यहां से हमारी C3 एक्सिस है तो इसके परपेंडिकुलर ये वाले जो सारे एच को कैंसिल करेगा, तीनों एच को और पी को इसके थ्रू से पास करेगा, तो मतलब क्या है, सिग्मा एच हमारे पास प्रेजेंट है, सिग्मा एच प्रेजेंट है तो इसमें क्या होगा, S3 एक्सिस होगी, S6 नहीं होगी। लास्ट क्या बचा है हमारे पास, SF6। SF6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में S6 प्रेजेंट होती है। बस आपका आंसर आ गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अ मॉलिक्यूल कंटेन्स द फॉलोइंग सिमेट्री ऑपरेशंस, E2C, जो आपको जो भी गिवन है सारे देख लिए, उसके बाद नंबर ऑफ क्लासेस एंड ऑर्डर ऑफ द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। नंबर ऑफ क्लासेस बतानी है, मतलब आपको बस काउंट कर लेने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है E2C6 2C3 C2 3 sigma D 3 sigma V। तो क्लासेस क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6, जितने भी सिमेट्री ऑपरेशंस आपको गिवन है वो क्या है, सिमेट्री एलिमेंट्स जितने भी आपको गिवन है वो क्या है, क्लासेस। तो क्लासेस हो गई 6, और ऑर्डर पूछा हुआ है, ऑर्डर क्या होता है, इन सबका सम, 1 + 2 + 2 + 1 + 3 + 3 कितना आएगा, 12। ये है आपका ऑर्डर। नेक्स्ट क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कैसे निकालेंगे, आपको पॉइंट ग्रुप निकालना है, बहुत ही इजी है, यहां लगाया x, नीचे की साइड x है, यहां पर इधर भी x है और यहां पे x है, ठीक है। इस तरह से आपको बताना है पॉइंट ग्रुप क्या होगा। सबसे पहले एक्सिस चेक करते हैं, यहां वाली C2 एक्सिस कंसिडर करो, जैसे यहां पे आप C2 कंसिडर करोगे, इसके लिए फिर से बुक देख लो ऐसे करके,
एक एक्स ऊपर लगा हुआ है, एक एक्स नीचे की साइड लगा हुआ है, एक एक्स इधर ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, ऐसे है। अब आपको क्या करना है, सी टू लगाने के लिए बोल रही हूँ मैं, तो ये ऊपर है और ये नीचे है। जैसे ही मैं इसको रोटेट करूंगी तो जो ऊपर वाला पार्ट था यहाँ पर वो नीचे आ गया, आप तो ये वाले सी टू प्रेजेंट है, आप तो खुद से करके देखेंगे। ऐसे यहां से अगर मैं अप्लाई करती हूँ, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये भी सी टू प्रेजेंट है। ऐसे ही आप साइड लगाएंगे, ये वाली भी प्रेजेंट है, ये वाला यहाँ जाएगा, तो आप लगा के देखेंगे, एक सी टू प्रेजेंट है, उसके बाद दो सी टू प्रेजेंट है। इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये प्लेन है, ये भी प्लेन है, तो क्या हो जाएंगे, टू सिग्मा वी, और सिग्मा एच नहीं है तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, डी टू डी, ठीक है। इस तरह से करेंगे, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूलर नोटेशन, या आप बहुत ही इजिली कर सकते हो, ई वन है मतलब या तो ए होगा या फिर बी होगा, लेकिन सी एन जो कि वन दिया हुआ है तो ए ही होगा, तो ऑप्शन सी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद सी टू के रिस्पेक्ट में माइनस वन है, मतलब क्या होगा, टू लगेगा सबस्क्रिप्ट में। आई के साथ में माइनस वन है मतलब यू लगेगा, और सिग्मा एच के साथ में माइनस वन है मतलब क्या लगेगा, सिग्मा एच के साथ में माइनस वन है मतलब क्या लगेगा, डबल डैश, ऊपर आप लगाएंगे डबल डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन दैट इज अलाउड बाय एक्स पोलराइज्ड लाइट, क्या करेंगे आप, जो भी आपको गिवन है ट्रांजिशन सबको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, जो भी कैरेक्टर्स आएंगे, जितने भी कैरेक्टर्स को आप क्या करेंगे, देखेंगे कौन से वाले मूलिकन सिंबल से मैच कर रहे हैं, और जिस भी मूलिकन सिंबल से मैच करेंगे उसके जो एक्स वाई जेड वाले जो लास्ट वाला कॉलम होता है उसको चेक करेंगे, जिसमें भी आपका एक्स प्रेजेंट होगा वो उसका आंसर होगा, ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है। नेक्स्ट है द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ प्रोपाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे ज्यादा इजी है, बहुत ही इजी है, बट गलती कहां पर होगी, गलती आपकी जब होगी जब आप स्ट्रक्चर इसका ढंग से एनालाइज नहीं करोगे। देखो ये होता है हमारे पास प्रोपाइन का स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है। अब आप क्या करेंगे, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो ये सी एच थ्री है ये कैसे होगा, एक एच यहां पर, एक एच अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ऐसे ही होगा, और साथ में ये ऐसे ये है, तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, किस चीज से रिलेट करोगे इसको, रिलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है जो उसका मेजर पोर्शन है उसको रिलेट करने की ट्राई करो। ये वाला किससे मिल रहा है आपका, अमोनिया से, अमोनिया में क्या होता है, ये एच अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और यहाँ पर हमारे पास होते हैं लोन पेयर्स, तो ये बिल्कुल इससे सिमिलर नहीं है, क्योंकि लोन पेयर्स में क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं और ये भी पूरा एक ही लाइन में, तो उसका पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, सी थ्री वी, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो आप इसको एक एटम कंसिडर नहीं करना है, इसको इस तरह से लिखना है, जैसे उसकी गिवन है वैसे ही आपको लिखनी है, ठीक है, इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा सी थ्री वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ई इंटू ई डायरेक्ट प्रोडक्ट इन डी थ्री पॉइंट ग्रुप कंटेन्स द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ई इंटू ई बोला हुआ है, ई इंटू ई का क्या मतलब है, पहले ई लिखो, टू माइनस वन जीरो, ई इंटू ई मतलब फिर से ही लिखना है आपको, कितना आ जाएगा, टू इंटू टू फोर, माइनस वन इंटू माइनस वन वन, और ये जीरो। अब आपके पास जो ई इंटू ई है उसकी वैल्यू कितनी है, फोर वन जीरो, तो आपको बताना है ये किसके इक्वल है। अब सारे ऑप्शंस आपको चेक करने हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है ए वन प्लस ए टू प्लस ई, ये आपको गिवन है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको ऐड करके देखेंगे, ए वन में ए टू ऐड करिए, उसमें ई ऐड करिए, वो कैसे होगा, ए वन यहाँ पे वन 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 है, ए टू है वन वन माइनस वन, और ये टू माइनस वन जीरो, इन सबको आपको जब ऐड करेंगे, टू प्लस वन प्लस वन फोर, वन माइनस वन जीरो प्लस वन वन, ये कैंसिल हो गया जीरो, तो ये आ गया फोर वन जीरो, और ये भी क्या था, फोर वन जीरो, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए। द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट कि मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, इसका आंसर क्या आएगा, सी टू जेड। नेक्स्ट है द लो टेम्परेचर 19F NMR स्पेक्ट्रा ऑफ SF4, स्पेक्ट्रा में बेटा भूल जाओ, इसमें क्या पूछा हुआ है, पॉइंट ग्रुप, तो डायरेक्टली पॉइंट ग्रुप निकालते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, पॉइंट ग्रुप क्या होगा, यहाँ से सी टू एस प्रेजेंट है, एक सी टू हो गया, यहाँ से सिग्मा वी, और यहाँ से भी सिग्मा वी, तो टू सिग्मा वी प्रेजेंट है, यहाँ से आ गया सी टू वी। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ऐसे वाले एग्जाम्पल्स, क्रोमियम है ऐसे ट्रांस में गिवन है, और ये दो इथाइलिन लगे हुए ऐसे, इथाइलिन डायमीन नॉट इथाइलिन, इस तरह से लगे हुए थे, यहाँ पे पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सी टू एक्सिस प्रेजेंट है, यहाँ से भी सी टू एक्सिस प्रेजेंट है, तो टू सी टू हो गई हमारे पास। इसको अगर मैं कंसीडर कर लूँ तो ये क्या होगा, ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, तो टू सिग्मा वी, और साथ में आप देखोगे कि ये वाला जो है परपेंडिकुलर प्लेन भी प्रेजेंट है, तो इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा डी टू एच। और जो नेक्स्ट है TICL6-3-, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है जॉन टेलर इफेक्ट लगेगा, जिसकी वजह से ये दो वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बड़े हो जाएंगे और ये वाले छोटे रहेंगे ऐसे,
तो इसका पॉइंट रूप क्या हो जाएगा, D4H। ये मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपको देखना है द कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V पॉइंट रूप इज गिवन बिलो। आपको बताने हैं IR एक्टिव मोड्स। क्या करेंगे आप, बहुत ही इजीली निकाल लेंगे। सबसे पहले टोटल मोड्स निकालेंगे, उसके बाद वाइब्रेशनल निकालेंगे, वाइब्रेशनल में से IR निकालेंगे, ठीक है, ये कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा XY S4Z। कर तो आपको ये वाला भी लेना चाहिए था, अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर से ट्राई कर लो, क्योंकि ईजी है क्वेश्चन, मैंने करवाए हैं इस टाइप के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपको कैरेक्टर टेबल गिवन है C2V के लिए और सिस ब्यूटाडाइन का आपको मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ये, तो आपको क्या करना है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आप डिराइव करेंगे, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, है ना। उसके बाद आपको निकालना है रिमेनिंग IR एक्टिव मोड्स। तो IR एक्टिव मोड्स के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल मोड्स, तो मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पर, बाकी आप खुद से सॉल्व करेंगे। टोटल मोड्स आपके आएंगे 10A1 प्लस 5A2, मैच कर लेना, प्लस 10B1 प्लस 5B2, ये है आपके टोटल मोड्स। इसमें से आप ट्रांसलेशनल रोटेशनल अलग करके वाइब्रेशनल निकालेंगे और उसमें से निकालेंगे फिर IR एक्टिव मोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा हुआ है प्रोडक्ट किस चीज़ का, सिग्मा XY और S4Z, इनका आपको प्रोडक्ट बताना है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपको करवाया भी है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट इसको करके देखते हैं ये क्या होगा। सिग्मा XY और जो S4Z है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, C4Z इनटू सिग्मा XY, यही होता है ना। कोई भी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, अगर हम ये जेड एक्सिस के लोग लगा रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर वाला प्लेन लेना होता है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सिग्मा XY। तो अब यहाँ पे देखो सिग्मा XY इनटू सिग्मा XY क्या हो जाएगा E, और E इनटू C4Z क्या हो जाएगा, C4Z। तो इसका आंसर आ जाएगा C4Z। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है प्रोडक्ट C2X इंटू सिग्मा XY। ये तो बिल्कुल आप खुद से करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल जो हमने वाटर के लिए डिराइव करी थी, वहीं से ये आएगा। इसका आंसर आ जाएगा सिग्मा Y, नहीं सिग्मा XZ। जब आप अप्लाई करेंगे तो शायद सिग्मा XZ आएगा इसका आंसर, 22nd का ए, हाँ सिग्मा XZ आएगा। आप निकाल के देख लेंगे, कैसे निकालेंगे, XYZ पे इसको अप्लाई करेंगे, XY जैसे लगाया तो यहाँ पे माइनस का आएगा, फिर X लगाया तो ये माइनस ये प्लस, सिग्मा XZ, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स ऑफ मीथेन बिलोंगिंग टू द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहले इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करनी है। मीथेन के लिए इरिड्यूसिबल आपको गिवन है, फिर आप निकालेंगे IR एक्टिव बहुत ही इजीली। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये है हमारे पास मीथेन। मैं आपकी ना आपको ना इसकी बता देती हूँ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या आएगी फाइनल, निकालेंगे तो आप खुद से। क्या होता है, ई 8C2 3C2 6S4 6σD, ये होता है हमारे पास। तो इसके जो आएगी फाइनल क्या आएगा, इसका नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम्स अगर हम बात करें तो 5, 2, 1, 1, 3, और कैरेक्टर कितना होता है 3, 0, -1, -1, 1, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको तो आएगा 15, 0, -1, -1, 3। तो ये आ जाएगी आपके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। आपको कैरेक्टर टेबल ऑलरेडी गिवन है, जो आपके टोटल नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल जैसे निकालेंगे हम इसको रिड्यूस करके, वो आएंगे A1 प्लस E प्लस T1 प्लस 3T2, ये आपके आ जाएंगे। अब आप निकाल लेंगे टोटल IR एक्टिव मोड्स, वो कितने आएंगे, वो इक्वल आएगा 2T2 के, ठीक है, निकाल लेना आप ये खुद से। उसके बाद द मोलिक्यूल डायबोरेन बिलोंग्स टू द सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। आपको डायबोरेन का निकालना है पॉइंट ग्रुप, ये है आपका डायबोरेन, प्लेनर मोलिक्यूल है। यहां से भी क्या है C2 एक्सिस, यहां से भी C2 एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर भी क्या है C2 एक्सिस। इसको हम मेन मान लेते हैं, तो ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट है, ये वाला प्लेन भी प्रेजेंट है, दो सिग्मा भी हो गए, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला सिग्मा एच भी प्रेजेंट है, इसीलिए इसका पॉइंट ग्रुप हो जाएगा D2H, ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ C2HR AG BG AU and BU, द रमन एक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांस 1,3-butadiene बिलोंगिंग टू द इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आर। मतलब ये कि ये है आपके पास ट्रांस, इसके आप सबसे पहले तो निकाल लेंगे
देखो यहाँ पे ना क्वेश्चन में आई डोंट नो, क्वेश्चन में ना जब पेपर में जब क्वेश्चन आया होगा तो आपको दी होगी C2H की कैरेक्टर टेबल, तो तब ये बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे शायद हो सकता है प्रिंट ना हुई हो, बट इसकी कैरेक्टर टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन डिराइव करेंगे, कैरेक्टर टेबल से उसकी इरिड्यूसिबल देखेंगे, फिर आप निकालेंगे अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सिमेट्री पॉइंट ग्रुप ऑफ मोस्ट स्टेबल ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसी सबसे ज्यादा स्टेबल जो ज्योमेट्री होगी उसका आपको निकालना है पॉइंट ग्रुप। ये हमने ड्रॉ कर लिया, इसका आपको बताना है किसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा। तो आप देखोगे कि अगर मैं यहां से एक्सेस ड्रॉ करूं, इसको रोटेट करवाऊं, तो रोटेट करवाने से क्या होगा, बैक साइड वाला फ्रंट साइड पे आ जाएगा, जो कि इसकी इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, क्योंकि सीएल को रिप्लेस करेगा एच और एच को रिप्लेस करेगा सीएल। तो ये वाली सी टू एक्सिस इसमें प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि हमारी नॉर्मल अलीन में होती है, तो ये वाली नहीं है। अब हमें चेक करनी है ये वाली सी टू एक्सिस, जो ये वाली है, तो ये वाली सी टू इसमें प्रेजेंट है, इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या है, सी टू। जैसे आप ये वाली लगाएंगे तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, इसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हो, तो ये वाला सीएल इसकी पोजीशन पर आएगा और ये वाला एच इसकी पोजीशन पर आएगा, और ऐसे ही ये जाके उसकी पोजीशन ले लेंगे, तो इसका पॉइंट ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, सी टू। अगर आपको समझ में नहीं आया, 3D में इमेजिन नहीं हो रहा, तो आप एक काम करेंगे, गूगल पे जाके लिखो इस वाले मॉलिक्यूल का 3D मॉडल, तो वहां पे क्या होता है आपको मिल जाता है, उसमें मोशन भी आपको शो करा होता है, तो वहां से आप देख सकते हो इसको। द पॉइंट ग्रुप क्वेश्चन नंबर 27, द पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाई एडिंग सिमेट्री ऑपरेशन सिग्मा एच टू द पॉइंट ग्रुप C4। एक कोई पॉइंट ग्रुप है C4, इसमें अगर आप ऐड कर दोगे सिग्मा एच, तो आपके पास क्या आ जाएगा पॉइंट ग्रुप, C4H। बस यही पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ग्रुप ऑब्टेन्ड बाई, अच्छा ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, द कैरेक्टर टेबल फॉर द D3 पॉइंट ग्रुप इज प्रोवाइडेड बिलो। For this point group, the correct statement among the following is, जो भी आपको options given है इसमें से आपको बताना है कि correct statement कौन सी है। तो देखो जितने भी options आपको given है ना, उसको आपको match करना है जो character table given है उससे, और फिर देखना है कौन सी वाली condition satisfy हो रही है और कौन सी वाली नहीं। तो first option देखते हैं। It is possible to have a totally symmetric normal modes of vibration which is IR active. तो आप पहले ना इस क्वेश्चन को अभी देखो, पहले इतना सोचो कि जो IR एक्टिव मोड्स होते हैं उनके लिए हम क्या देखते हैं, X, Y और Z होना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं क्या कोई ऐसा हमारे पास नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन अवेलेबल है जो कि IR एक्टिव भी हो और टोटली सिमेट्रिक भी हो। टोटली सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सारे 1-1-1 मिलने चाहिए हमें, मतलब कोई भी माइनस वाला हमें कैरेक्टर नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे वाला कौन सा है जो सारा सिमेट्रिक है, वो कौन सा है, A1 वाला, जिसमें सारे 1-1 हमारे पास प्रेजेंट है, क्योंकि जो A2 और E है उनमें माइनस वाले प्रेजेंट, तो वो क्या हो गए, एसिमेट्रिक। इन्होंने बोला हुआ है टोटली सिमेट्रिक, मतलब सारे प्लस प्लस वाले हमें चाहिए। तो A1 ही ऐसा है जो टोटली सिमेट्रिक है, बट वो क्या IR एक्टिव है, तो IR एक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें X, Y और Z प्रेजेंट नहीं है, क्वाड्रेटिक फंक्शन अवेलेबल है। क्वाड्रेटिक से हम क्या देखते हैं, रमन एक्टिव, IR एक्टिव नहीं देखते, तो ये वाला तो गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन बी है, All the IR active normal modes are necessarily Raman inactive. तो देखो Raman ये बोल रहे हैं जो IR active हैं वो क्या पक्का Raman inactive हैं। तो IR active कौन से वाले हमारे पास, A2 जो है वो IR active है, E भी हमारे पास क्या है, IR active। A2 तो inactive है, Raman inactive, बट जो E है वो क्या है, Raman active है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, All the Raman active normal modes are necessarily IR active. तो Raman active कौन से हैं हमारे पास, A1 है और E है ना, ये रमन एक्टिव है। क्या ये IR एक्टिव भी है, तो E जो है वो तो IR एक्टिव है बट A नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है, इट इज पॉसिबल टू हैव अ पेयर ऑफ IR एक्टिव नॉर्मल मोड्स दैट आर डीजनरेट। डीजनरेट से हम कैसे देखेंगे, E की वैल्यू से। तो फर्स्ट वाला तो क्या है, नॉन डीजनरेट, क्योंकि E की वैल्यू 1 है, यहाँ पे E की वैल्यू 2 है, इसका मतलब वो क्या है, डीजनरेसी शो करता है ना, ये जो उसकी डायमेंशन होती है वो डीजनरेसी शो करती है। अगर E की वैल्यू 3 होती है मतलब ट्रिपली डीजनरेट, 2 होती है मतलब डबली डीजनरेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो हाँ डीजनरेट तो है, लेकिन वो क्या IR एक्टिव है, तो आप देख लो X और Y उसमें अवेलेबल है, तो वो IR एक्टिव भी है और डीजनरेट भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द कैरेक्टर टेबल क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आप खुद से करेंगे क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बोला हुआ है कि कैरेक्टर टेबल गिवन है और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है, आपको निकालना है
रिड्यूसिबल, आप क्या करोगे, रिड्यूसिबल को रिड्यूस करना है आपको, इरिड्यूसिबल में आपका आंसर आ जाएगा, खुद से कर लेना. द मोलिक्यूल दैट हैज एस फोर सिमेट्री एलिमेंट्स, जिसमें एस फोर आपको बताना है, एस फोर के लिए क्या होगा, सी टू होना चाहिए. अगर सी टू में सिग्मा एच प्रेजेंट है तो क्या होगा, एस टू. अगर सी टू में सिग्मा एच प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, एस फोर. यही होता है. अब हम क्या करेंगे, देखते हैं. सबसे पहले इथाइलीन, ये होता है इथाइलीन हमारे पास. इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन. तो जिसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन होता है उसमें क्या होता है, एस टू. क्योंकि एस टू क्या है, इक्विवेलेंट होता है सेंटर ऑफ इन्वर्जन के. तो इथाइलीन में तो एस टू प्रेजेंट है इसलिए एस फोर नहीं होगा. अलीन जो होता है, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको अलीन का नहीं पता वो किस तरह का है, कैसे निकालते हैं, छोड़ देते हैं उसको. बेंजीन देखते हैं. बेंजीन में क्या होता है, सी सिक्स प्रेजेंट होती है, सिग्मा एच भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें क्या होता है, एस सिक्स प्रेजेंट है. जबकि हमसे क्या पूछा हुआ है, एस फोर. तो बेंजीन में नहीं है. 1,3-butadiene देख लो, 1,3-butadiene का ये वाला, इसमें क्या है, सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या है, एस टू प्रेजेंट है इसलिए. और जो ये वाला है, इसमें अगर आप इसका चेक करोगे क्या दिया हुआ है, ब्यूटाडाइन. ब्यूटाडाइन दिया हुआ है. अगर आप ये वाला देखते हो तो उसमें एस टू अवेलेबल है, ट्रांस वाला. और अगर सिस वाला हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्या है, एस टू प्रेजेंट है, सॉरी सी टू प्रेजेंट है और दो सिग्मा वी प्रेजेंट है. अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सिग्मा एच टू प्रेजेंट नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा इसमें एस फोर है या फिर नहीं है. तो चेक करेंगे कैसे, यहाँ पे हमने सी टू लगाया, इसके परपेंडिकुलर प्लेन जैसे ही लगाएंगे वो तो ऊपर की साइड दिखेगा, मतलब यहाँ पे एस फोर नहीं है. और आप ये याद भी कर सकते हो कि जो अलीन होता है उसमें हमारे पास S4 अवेलेबल होती है, इसलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर H2O मॉलिक्यूल, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट B1. इन्होंने बोला है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट है B1, बताना है वो जो उसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है वो कैसा है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पोलराइज है या फिर वाई या फिर जेड. तो हम कैसे देखेंगे, ग्राउंड स्टेट से B1, तो B1 के तो करेक्ट आपको पता चल जाएंगे. ध्यान ये रखना होता है कि जो ग्राउंड स्टेट ये बोलते हैं, तो ग्राउंड स्टेट क्या होती है, मतलब जो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है. और सबसे ज्यादा सिमेट्रिक कौन सी होती है, फर्स्ट वाली A1. A1 को हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. A1 मतलब जो सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, जिसमें सारे 1-1-1 हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिक है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसलिए ग्राउंड स्टेट है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, A1 into B1 करके देखेंगे. और जैसे आप उसको सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा x. जैसे आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, A1 into B1 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से B1 आएगा. और B1 में क्या प्रेजेंट है, x. तो ये क्या है, दिस इज अलाउड विद x पोलराइजेशन. तो ऑप्शन नंबर बी. लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. इसमें क्या पूछा हुआ है, द पेयर ऑफ सिमेट्री पॉइंट ग्रुप्स दैट आर एसोसिएटेड विद ओनली पोलर मॉलिक्यूल्स. अब ना पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है. पोलर का मतलब है अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच या फिर सेंटर ऑफ इन्वर्जन प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर. आपको ये ध्यान रखना है, अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा एच या फिर आई प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होता है, नॉन पोलर. तो आप ऑप्शंस देखो, पहले वाला क्या है, C2V और डी इन्फिनिटी एच. एच आ गया मतलब तो ये क्या है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये वाला कैंसिल हो गया. बी ऑप्शन में C2H प्रेजेंट है तो सिग्मा एच वहां पे भी प्रेजेंट है, ये वाला ऑप्शन भी हट गया. जो सी ऑप्शन है उसमें D2H है एक ऑप्शन, तो H वाले में क्या है, सिग्मा एच प्रेजेंट है, ये भी नहीं हो सकता. तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर. तो इसके लिए आप इतना याद रख सकते हो कि जिस भी मॉलिक्यूल में हमारे पास सिग्मा एच या फिर आई प्रेजेंट होंगी वो क्या होता है, हमारे पास नॉन पोलर होता है, वो पोलर नहीं हो सकता. ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है. मैंने आपको हिंट दे दिए सारे क्वेश्चंस के, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना. आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.